मेकर होंडा मोटर ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपनी माइक्रो एसयूवी यानी होंडा AX1 को पूर्ण रूप से लॉन्च करने का निर्णय भारत के लिए ले लिया है। ये कार जबरदस्त फीचर्स से परनाल करके अपडेट की गई है, जिसमें इस अपकमिंग कार की एक्सटीरियर डिटेल के बारे में पूर्ण रूप से पता चल चुका है। ये मोटर्स जल्दी भारत में अपनी सबसे खास माइक्रो एसयूवी यानी होंडा AX1 को लॉन्च करने वाली है। दिखने में तो शानदार नजर आती है, साथ ही इसके फीचर्स में भी आप सभी को बेहतरीन अपडेटेड देखने को मिलते हैं। भारत में होंडा एक जबरदस्त AX1 अपकमिंग माइक्रो एसयूवी कार को पूर्ण रूप से टाटा पंच के साथ कड़ी टक्कर मिलने वाली है। साथ ही साथ मारुति सुजुकी की धासु माइक्रो एसयूवी कार यानी इग्निस तथा नई नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को भी पूर्ण रूप से ये कार टक्कर देने वाली है। मार्केट में आने वाली होंडा की जबरदस्त माइक्रो कार यानी AX1 को भारतीय बाजार में 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के अंतर्गत कैटेगरी की कार में शुमार किया गया है, यानी पूर्ण रूप से 4x2 कैटेगरी के अपडेट के साथ रिजनेबल प्राइस रेंज के चलते अब तक की सबसे सस्ती कार भारत में आने वाली है। इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इस कार की स्पेसिफिकेशंस, इंजन डिटेल, लॉन्चिंग डेट के बारे में। देखें लुक और डिजाइन। जी हाँ, होंडा मोटर्स की अब तक की सबसे छोटी माइक्रो एसयूवी कार AX1 के लुक और डिजाइन की बात करें तो संभावित फीचर्स की जानकारियां लॉन्च से पहले ही इस कार की सामने आ चुकी है। होंडा की आने वाली AX1 के लुक और डिजाइन के साथ ही साइड प्रोफाइल में भी अपडेट किए गए हैं। इस कार के अंदर आप सभी को 359 cc की लंबी चौड़ाई तथा 10599 mm की अपडेटेड लंबाई और 1575 mm की चौड़ाई दिखाई देती है। ये K1 कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित करके भारत में लाई जा रही है, जिस पर कंपनी की सबसे बेस्ट सेलिंग कार होंडा क्रेट i10 नियोस तथा होंडा सेंट्रो नेक्स्ट जनरेशन को डिजाइन किया गया है। AX1 के बारे में कहा जाता है कि ये लोकप्रिय सबसे बेहतरीन छोटी माइक्रो एसयूवी कार सेलिंग पर्पस से भारत के लिए डिजाइन की गई है, जिसे होंडा वेन्यू का एक छोटा पैकेज भी मार्केट के लिए कहा जा रहा है। आने वाले समय में इस कार को पूर्ण रूप से काफी प्रतिस्थितियां तथा CNG विकल्प ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। होंडा की आने वाली AX1 के फ्रंट में आप सभी को सिंगल स्टेंशन अपडेट ग्रिल के साथ ही नए डिजाइन देखने को इस कार के फ्रंट पे मिलता है, जो कि इस कार को एग्रेसिव लुक भारत में देता है। इसमें राउंड शेप के हेडलैम्प्स के साथ ही LED DRLs और लोअर बम्पर के साथ LED रिंग देखने को मिलते हैं। मार्केट में आने वाली AX1 में ज्यादा एग्रेसिव बम्पर, स्लीवर्स, फिनिशिंग क्रीट्स, प्लेट्स के साथ चौड़े एयर डैम्स को भी संचालित किया गया है। इसमें एग्रेसिव क्रीज के साथ ही साथ क्लेमेंट बोनट देखने को आप सभी को मिलता है। होंडा की इस माइक्रो एसयूवी में आपको डुअल टोन रूफ, टेल लैंप्स तथा इग्निशन व्हील, चाइल्ड अपडेट, मल्टी स्पोक, 16-inch के डायमंड कट स्टेनलेस स्टील से प्रयोग किए गए अलॉय व्हील साझा करवाए गए हैं। रियल लुक की बात करें तो इसे लोअर बम्पर के इंटीग्रेट टेल लाइट्स अपडेट करते हुए डिजाइन को पूर्ण रूप से एक माइक्रो एसयूवी कार देने की कोशिश की गई है, यानी भारत में आने वाली होंडा AX1 बेबी वेन्यू के नाम से भी जानी जाएगी। कैबिन तथा फीचर्स और इंजन की तरफ गौर किया जाए तो होंडा की AX1 में कैबिन फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ छोटा नहीं बल्कि आप सभी के उम्मीदों पे खरा उतरने वाला 8-inch का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पूर्ण रूप से USB कनेक्टिविटी कंट्रोल तथा UIV कंट्रोल सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। इस कार में डुअल टोन इंटीरियर, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी, रियर पार्किंग कैमरे, डुअल अपडेटेड सिस्टम के साथ 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे की सुविधा, साथ ही साथ कैबिन में भी आप सभी को एक छोटा मॉनिटरिंग सिस्टम कैमरा दिखाई देता है, जो कि वाकई में ही अंदर के व्यू को आप सभी के इंफोटेनमेंट सिस्टम तक पहुंचाता है। सबसे खास बात तो यह कि नए प्राइस रेंज के चलते इस कार में ऑटोमेटिक AC वेंट्स, 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, JBL के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन जो कि आपकी राइड को अनुरंजन बनाती है। कार की सीटों की बात करें तो होंडा ने अपनी इस माइक्रो एसयूवी कार में स्पेस का ज्यादा ध्यान रखा है, यानी छोटे होने के बावजूद इस कार में 5 लोग आसानी से बैठ के सफर करने के बाद भी स्पेस काफी अच्छा आप सभी को कार में मिलता है। कार की सीटों में फिल लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कटने फटने से पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ सीटों को फोल्ड करके ये भी बूट स्पेस को अच्छा खासा बढ़ाया भी जा सकता है, जो कि इस कार का खास अहम पार्ट माना जा रहा है। डैशबोर्ड को डुअल टोन कलर
ऑप्शंस के साथ संचालित किया, जो कि वाकई में ही अंदर से आप सभी को एक प्रीमियम इंटीरियर वाला फील दे रहे हैं। साथ ही साथ कुल कहे तो पूर्ण रूप से इंटीरियर और फीचर्स के मामले में ये कार अन्य फुल साइज एसयूवी के मुकाबले कड़ी टक्कर दे सकती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गोपलर एनसीपी के तहत इस कार का पूरे 5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है। क्रैश टेस्ट मानकों के तहत पूरे 5 अपडेट रेटिंग के साथ ये कार भारत में आ चुकी है। मार्केट में होंडा EX1 को जापान में 2020 में ही लॉन्च किया जा चुका है तथा 2021 में इस कार के नए वेरिएंट को भी लॉन्च किया गया था। अब फाइनली लंबे इंतजार के बाद इस कार को भारत में लाया जा रहा है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स के साथ क्लेस एंटी और एडजस्टेबल हेडलैम्प समेत कई स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस कार में पूर्ण रूप से हर कोई ग्राहक चाहता है। इस कार में आप सभी को पुश एंड स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ क्लाइमेट कंट्रोल, टेक्शन कंट्रोल, EBD के साथ ABS या पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे अपडेटेड प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स को मुहैया करवाया गया है, जो कि वाकई में ही काफी अच्छी बात है। अब बात आती है कि इस माइक्रो SUV कार के अंदर कौन से इंजन का प्रयोग होंडा ने किया है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, छोटी हो या भले ही ये कार छोटे स्पेस ऑप्शन के साथ आती है, मगर ये कार वाकई में ही बड़े दिल के साथ बड़े इंजन को भी सपोर्ट करती है। यानी कंपनी ने इस कार के अंदर 1.1 लीटर का नेचुरल एसिड फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल विकल्प ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, जो कि फ्यूल एफिशिएंट के साथ वर्क करता है, जो कि भारत की सड़कों पर 69 PSP तक की जनरेट पावर के साथ आप सभी को 82 PSP की अपडेटेड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। इस कार के अंदर आप सभी को 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। माइलेज की बात करें तो पूर्ण रूप से कंपनी का दावा है कि हमारी आने वाली माइक्रो SUV कार EX1 का माइलेज प्रति लीटर में 28 से लेकर 32 किमी का मिलने वाला है। तो वाकई में ही ये कार बजट सेगमेंट के हिसाब से आपकी जेब पर असर नहीं डालने वाली है। लॉन्चिंग की बात करें तो मार्केट में इस कार को हम सभी के लिए 6 फरवरी को फाइनली लॉन्च किया जाना है। कार की प्री बुकिंग भी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टार्ट कर दी गई है, जहां पर विजिट करके पूर्ण रूप से कार की जानकारी लेकर बुक कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद इस कार को जबरदस्त बुक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूज कीजिए, अपना नाम लिख के हमें कमेंट करिए, साथ ही साथ वीडियो को पूर्ण रूप से लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऐसे ही न्यू अपडेट्स वीडियो के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।